हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं माला जी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें स्लिप डिस्क हुआ था और क्या क्या उनके साथ हुआ है और उन्होंने क्या अब गलती कर दी है, उसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। जो यूजुअली बहुत सारे पेशेंट ये गलती कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि माला जी जो है ना, वो मेरी सब्सक्राइबर है और उनकी एज 53 ईयर्स है, 53 साल की है वो। और उन्हें अभी रिसेंटली कमर में दर्द हुआ था। एक्चुअली मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो डॉक्टर के पास गई, जिनसे वो मेडिसिन लेकर आई, और क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था तो 8 दिन उन्होंने दवाई खाई है और उससे उन्हें आराम नहीं मिला। तो उनके कोई रिलेटिव थे जो कि जिन्होंने कहीं से इलाज कराया था, कोई हकीम है उनके आसपास, यूपी से वो हैं, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ उनके रिलेटिव जो हैं वो ठीक हो गए थे, तो उन्होंने उनसे बताया कि आप वहाँ चले जाओ और आपको वहाँ जाकर आराम आ जाएगा। तो वो वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पट्टियाँ करवाई, तो वो जो हकीम है उन्होंने नस को दबा कर, मतलब जो कमर की जिस जगह पर दर्द था वहाँ पर दबा कर और पट्टी बांध दी। तो उस तरह से उन्होंने 3-4 पट्टियाँ कराई, शायद 3-4 बताया उन्होंने मुझे, तो वो पट्टियाँ कराई उन्होंने और उसके बाद उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये अभी की बात है, जैसे मतलब एकदम से दर्द हुआ, फिर एकदम से ट्रीटमेंट हुआ और एकदम से वो ठीक भी हो गई। तो जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने क्या किया है कि अभी जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी क्योंकि त्यौहार है तो फिर उसमें काम बहुत रहता है लेडीज़ को, तो उन्होंने इस दौरान कुछ काम ज़्यादा किया। घर में जितने भी काम होते हैं, आपको पता है लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं, और फिर जब लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं तो फिर लेडीज़ लग जाती हैं काम में। और उन्होंने त्यौहार वाले दिन नॉन स्टॉप काम किया, कोई आराम नहीं था, लगातार काम किया। और उसके बाद वो सेकंड फ्लोर पे उनका घर है, मतलब फर्स्ट सेकंड फ्लोर है, तो ऊपर नीचे भी काफ़ी हो गया। 2-3 बार उन्होंने बताया कि उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी। तो जो बिल्कुल ठीक हो गई थी वो एकदम से फिर से दर्द आ गया उन्हें, और जब उन्हें दर्द वापस आया तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और मैं हमेशा शेयर करती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि भाई मैं ठीक हो गई, फिर मैंने तुरंत कुछ किया, या फिर मैं ठीक थी मुझे कुछ करना पड़ गया जिसकी वजह से मुझे दर्द फिर इतना ज़्यादा आ गया कि उससे रिकवर करने में फिर मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगा है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों को तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो बता ही रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस से अगर आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आपको स्लिप डिस्क हो गई है, जो कि MRI में क्लियरली माला जी को बताया गया था कि उन्हें स्लिप डिस्क है, और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं, वो किसी भी तरह से आप ठीक हुए हैं, तो उसके तुरंत बाद आपने एकदम से काम नहीं शुरू करना है, थोड़ा टाइम लेना है, लगभग 5-6 महीने तक आपको परहेज करना है, यानी कि जो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है ना, आगे की तरफ झुकना, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो करना ही नहीं है। फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकना, वो बिल्कुल नहीं करना है। वजन नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ बहुत स्लोली, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही चढ़ें, वरना तो सीढ़ियाँ भी अवॉइड करनी है। कोई भी बाइक पे जैसे बैठ के चले जाते हैं वो सफ़र नहीं करना है। जब आप ठीक हो जाते हैं उस दौरान की बात कर रही हूँ, तो आपको अगर कहीं जाना है तो गाड़ी से जाएं, बेल्ट का यूज़ तो उस वक्त करना ही नहीं है, लेकिन अगर आप दर्द में हैं तब तो आप बेल्ट ज़रूर यूज़ करें, लेकिन इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है ठीक होने के बाद। और उसके बाद भी आपको चेक करना है कि कहीं आपको ज़रा सा सिम्टम्स दर्द का तो नहीं महसूस हो रहा, अगर इतने लंबे टाइम के बाद आपको अगर लगता है कि जैसे कपकपाहट हो रही हो, या कोई ऐसी मतलब कुछ भी आपको एक छोटी सी हिंट भी लगती है कि मैं अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करती हूँ ठीक होने के काफ़ी लंबे टाइम के बाद भी, और मुझे इससे प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको परहेज रखना ही रखना है अगर आप ठीक ही रहना चाहते हैं हमेशा। तो जैसे मैं बताती हूँ कि मेरा काम हमेशा, मैं आज भी किचन का काम वगैरह सब जो भी मेरा काम होते हैं मैं खड़े खड़े करती हूँ, कपड़े वगैरह मशीन में धोती हूँ, बैठ के करने वाले काम नहीं करती हूँ, नीचे बैठती हूँ, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल जैसे सब्जी काटना हो गया या खाना खाना हो गया, उन चीज़ों के लिए अगर बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो फिर तो आपको ये सब अवॉइड करना है, नीचे बैठना ही नहीं है। तो सबकी सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर आप ठीक हो जाते हैं
तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे तो आप हमेशा ठीक रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, बिना दर्द के आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी सकते हैं। और बाकी जो ठीक हो जाते हैं, प्रॉपर ठीक हो जाते हैं, उनके लिए तो अच्छा है ही, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस और माला जी का एक्सपीरियंस आप लोगों को कुछ थोड़ा सा समझा पाएगा कि अगर आप ज़रा सी लापरवाही करते हैं तो उसका परिणाम बहुत दुखद और बहुत ही दर्द भरा हो सकता है, जो कि आपको फिर उससे उबरने में टाइम लग सकता है, उससे बाहर आने में आपको वक्त लग सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।